वेलकम टू अवर चैनल कनाडा फेर अपडेटेड दिस इज देवशी अवस्थी आज मैं आपके सामने जो एम सी क्यू सीरीज लेके आया हूँ यहाँ पर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में आप देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से ट्वेंटी एम सी क्यू है टॉप एम सी क्यू जो मैं लेके आया हूँ जो एग्जाम में आ चुके हैं या आने के चांसेस सबसे ज्यादा है सो लेट स्टार्ट विद द मॉडर्न हिस्ट्री एम सी क्यू सीरीज ओके सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने पूछा गया वेयर वॉज ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी 1919 में आप सबने खिलाफत मूवमेंट पढ़ा होगा ठीक है बड़ा इंपॉर्टेंट है जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ते हैं खिलाफत मूवमेंट तो पढ़ी ही जाती है तो मैंने पूछा ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई अब ये बड़ा स्टैटिक क्वेश्चन हो जाता है कुछ लोग कहते हैं ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन कैसे याद करें तो ये प्रैक्टिस से आता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ऑप्शन है लाहौर मुंबई दिल्ली और ढाका अब आपसे को इसमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है सो तो आई होप मुंबई तो सब कैंसिल कर देंगे ओके इसमें बेस्ट ऑप्शन दिल्ली की ओर होगा तो बिल्कुल सही आंसर दिल्ली ही है और खिलाफत मूवमेंट या खिलाफत मूवमेंट आपने सुनी होगी जो दो ब्रदर्स ने स्टार्ट की थी याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने इस मूवमेंट को लेड किया था मोहम्मद अली और शौकत अली रिमेंबर ठीक है और ये जो खिलाफत मूवमेंट की कॉन्फ्रेंस हुई थी वो ट्वेंटी थर्ड नवंबर नाइनटीन नाइनटीन में डेट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट बट कहाँ हुई थी ये इंपॉर्टेंट है दैट वॉज हेल्ड इन डेली ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बड़े पॉपुलरली इनको कहा जाता है फ्रंटियर गांधी कौन है पर्सनैलिटी जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है आई होप बहुत लोग तुरंत फ्रंटियर गांधी से उनके आंसर भी मार्क करने लगे होंगे खुदाई खिदमत गाज के बारे में सुना होगा जिसको रेड शर्ट्स कहते हैं वो सुना होगा आपने बेसिक भी मॉडर्न पढ़ी होगी तो क्वेश्चन आपको बनना चाहिए नहीं बन रहा है तो आपको एक बार मेरे मॉडर्न लेक्चर्स मॉडर्निस्टिक लेक्चर्स देखो जाकर ऐप पे तभी बनेगा ये इतना सिंपल क्वेश्चन है ये ठीक है इसका करेक्ट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान रिमेंबर बहुत फेमस है खुदाई की रेड शर्ट्स के फाउंडर हैं रिमेंबर ठीक है ये फ्रंटियर गांधी कहा जाता है इनको गांधी के आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे ओके तो और इनको भारत रत्न भी मिल चुका है तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो आंसर है आंसर नंबर बी दैट इज खान अब्दुल गफ्फार खान ओके नेक्स्ट है ब्रिटिश की एक पॉलिसी थी सब्सिडरी अलायंस सुना होगा आपने वेल्सली की पॉलिसी थी सब्सिडरी अलायंस सब्सिडरी अलायंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले किस स्टेट को सब्सिडरी अलायंस के अंदर लाया गया था ऑप्शन अवध मेवार या हैदराबाद ओके और वेल्सली के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा जो इंपॉर्टेंट वॉइस रहे थे तो सब्सिडरी इलाइंस के हम डिटेल्स भी आपको पता होंगी ओके okay? यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन है सबसे पहले कौन आया था तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है दैट इज हैदराबाद ओके अब जब सब्सिडरी इलाइंस का क्वेश्चन आ गया है ठीक है तो एक क्वेश्चन डॉक्ट्राइन एंड ऑफ लैब्स भी बनता है क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी किसकी आपको पता होना चाहिए डलहौजी की रिमेम्बर तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि पहला विक्टिम जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था उसका पहला विक्टिम कौन बना ठीक है ऑप्शन था तो अवध मेवार मैसूर सतारा आर द फोर ऑप्शन आपने झांसी सुना होगा बहुत लोगों ने ठीक है मैंने तो पूरी डिटेल में पढ़ाई हुई है इसके बारे में पूरा डॉक्टर ऑफ लैब्स पढ़ाया हुआ है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है दैट इज सतारा जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है ओके तो डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं पूछा गया है जैसे चार्टर एक्ट पढ़ते हैं उसमें एक एक है जिसमें वन लाख रुपीज एलोकेटेड टू तो द एजुकेशन ऑफ इंडियंस एक लाख रुपए एजुकेशन ऑफ इंडियंस को दिया गया था किस एक्ट के अकॉर्डिंग वन लाख रुपीज वॉज गिवन फॉर द एजुकेशन ऑफ इंडियंस ओके ऑप्शन आपके सामने पहला आंसर ही सही है दैट इज चार्टर एक्ट एटीन एक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे ऐप को डाउनलोड करो वहां पर मैंने सारे एक्ट्स करा रखे हैं ठीक तो okay. है तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर एटीन थर्टीन का एक्ट ओके नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ना सब लोग तुरंत देखते आंसर बता देते हैं किसने वर्कुलर प्रेस एक्ट को पास किया था ओके okay. कौन था उस टाइम पर वॉइस रॉय रिपन लिटन, बेंटे क्या मिंटो जल्दबाजी में जो लोग लगा रहे होंगे वो रिप्पन लगा दिए होंगे गलत है आंसर आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लिट्टन रिमेंबर रिपन ने तो उसको रिपील किया था रिमेंबर लिट्टन ने इसको लगाया था जिसमें वर्णाकूला प्रेस एक्ट मतलब एक तरीके से प्रेस की फ्रीडम को रोक लगाई गई थी ठीक है और ये नाइनटीन में पास किया गया था बट इसको हटा दिया गया था जो अच्छा व्यक्ति था लॉर्ड रिप्पन एटीन में इस एक्ट को हटाया भी गया था इससे रिप्पन को हम अच्छा व्यक्ति बोलते हैं जबकि लिट्टन बुरा आदमी था ऐसे याद कर सकते हो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से आपको पूछा गया है कौन सा इंपॉर्टेंट लीडर नहीं है रिवोल्ट ऑफ 1857 का रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है उस टाइम पे देश के वॉइस रॉय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे रिमेंबर तो इनमें से कौन नहीं है 1857 से रिलेटेड नहीं है रानी लक्ष्मी बाई बेगम हजरत महल तात्या टोपे या आमिर चंद तो बैटल ऑफ प्लासी पढ़ा है ठीक है प्लासी बक्सर ये सब पढ़े होंगे ठीक है अमृत चंद वहाँ पर याद आ रहा होगा इसका रिवोल्ट ऑफ एटीन से कोई लेना देना नहीं है तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है बाकी ऊपर की तीनों पर्सनैलिटी वॉज रिलेटेड टू दैट इज रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन भाई आपको पता होगा झांसी से रिलेटेड थी बेगम हजरत बैल लखनऊ से तात्या टोपे जिनका नाम ओरिजिनल नाम रामचंद्र पादुरंग थे रिमेंबर ये कानपुर से रिलेटेड थे तो ये आपको पता होना चाहिए ओके नेक्स्ट है चौरी चौरा इंसिडेंट जब हुआ उस टाइम पे वॉइस रॉय कौन था देश का ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए आते हैं तो पहले बात तो चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ 1922 में इसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी खत्म कर दिया जाता है ओके तो लॉर्ड रीटिंग मिंटो लिटन या नन ऑफ द अब नन ऑफ द भी है। तो अगर ये ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ द अबव आंसर होगा तो पता होना चाहिए तो सारे वॉइस याद करो मैंने सारे करा रखे हैं ठीक है इवन सीरीज में भी करा रखा है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है दैट इज लॉर्ड रीडिंग ठीक है और सारे वॉइस रॉय के नाम आप याद कर लो मेरा माना है टाइम पीरियड्स के साथ ओके नेक्स्ट है सी राजागोपालाचार्य की मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने सोल्ट सत्याग्रह को लेड किया था किस स्टेट में उन्होंने ये लेड किया और इसको कंटिन्यू किया सॉल्व सत्याग्रह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पर उन्होंने भी अपना इस मूवमेंट को लेड किया था सी राजेगोपालचारी ने इनको भी भारत रत्न मिल चुका है मैं आपको बता दूँ तमिलनाडु केरल मेघालय या मणिपुर सीधा था चार ऑप्शन है करेक्ट आंसर आपको मार्क करना है और करेक्ट आंसर सी राजागोपाल नाम सुन के ही साउथ के लग रहे हैं करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दैट इज़ तमिलनाडु बट ऑप्शन इसमें केरल भी था केरल से भी आप कंफ्यूज हो सकते थे बट आपको याद रखना है करेक्ट आंसर दैट इज तमिलनाडु है है ठीक और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो सॉल्व सीता गया था गांधी जी भी लेड कर रहे थे अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग लेड कर रहे थे तो सी राजागोपाल जारी साउथ इंडिया में लेड कर रहे थे दैट इज ऑफ तमिलनाडु पूना पैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पैक्ट है जो कम्युनल अवार्ड दिया गया था मैंने स्टोरी पूरी पढ़ाई हुई आपको उसी के अपोज में पूना पैक्ट साइन किया जाता 1932 नाइनटीन थर्टी टू में पूछा कि एग्रीमेंट किसके बीच में साइन किया गया था नेहरू अंबेडकर गांधी अंबेडकर मालवीय अंबेडकर या गांधी एंड नेहरू ओके तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जिसको नहीं बन रहा पूना पैक्ट पता होना चाहिए पूरा पैक मैंने पढ़ा रखी मॉडर्न हिस्ट्री में प्रॉपर ठीक है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है गांधी और अंबेडकर के बीच में याद रखिएगा पूरा, पूरा 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 पैक है क्या वो डिटेल्स मैंने लेक्चर्स में कराई हुई है ठीक है तो वहाँ पर जाकर आप लेक्चर देखोगे ऐप पर तो आपको समझ में आ जाएगा ओके तो करेक्ट आंसर दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी नाइनटीन में ये हुआ था साइन हुआ था नेक्स्ट है पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया किसने स्टार्ट किया था तिलक जी ने राजा राम मोहन रॉय ने जे जे एनलिक ने या विलियम बेंटिक ने तो इसका करेक्ट आंसर सही है दैट इज़ आप जो सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए जे डॉट ए हैकले रिमेंबर और पेपर का नाम सबको पता होगा आई होप दैट इज़ बेंगाल गजेट वॉज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर जो कि जे ए हैकले ने लॉन्च किया था 1779 से सेवनटीन एटी और याद रखिएगा इसको फाउंड किया गया था कैलकाटा में तो इंपॉर्टेंट पेपर है ये भी बहुत बार क्वेश्चन स्टेट सर्विसेज में रिपीट होता रहता है ओके okay, अब मैंने पूछा है कि बॉम्ब फेंका गया था मैं बता दूं 1929 में बॉम्ब फेंका गया था ओके okay, ये बॉम्ब फेंका गया दिल्ली में वहां की जो सेंट्रल असेंबली थी वहां पर बॉम्ब फेंका गया ठीक है 1929 में किन्ों ने बॉम्ब फेंका था ओके okay, बड़ा इंपॉर्टेंट है हार्मफुल बॉम्ब नहीं था जस्ट टू रेज द अवेयरनेस जस्ट टू रेज द कि भाई हम रिवोल्ट कर रहे हैं आप ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये बॉम्ब फेंका गया था जो इतना हार्मफुल नहीं था रिमेंबर तो किसने फेंका था भगत सिंह भुक्तेश्वर दत्त राजगुरु या बोथ ए एन बी अबव ओके आपको करेक्ट आंसर बताना है लोग सोचे राजगुरु नहीं राजगुरु आंसर नहीं है करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है भगत सिंह और भुपतेश्वर दत्त ने नाइन ट्वेंटी में सेंट्रल डेली असेंबली में ये बॉम्ब फेंका था रिमेंबर सो दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जलिया वाला बाग इंसिडेंट बहुत फेमस इंसिडेंट आपने सुना होगा नाइनटीन सॉरी जलियाला बाग इंसिडेंट जो अमृतसर पंजाब में हुआ था मैंने क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि ये जो जलेवा बाग इंसिडेंट होने से पहले एक प्रोटेस्ट चला था एक्चुअली जले वाला बाग में जहाँ पर सब लोग आते हैं वो किसी का अरेस्ट हो जाता है उसकी वजह से वो लोग जले वाला बाग में आते हैं फिर भी ये हादसा हो जाता है तो किसके अरेस्ट पर हादसा ये रिवोल्ट चला था जले वाला बाग में लोग इकट्ठे हो रहे थे ऑप्शन आपके सामने हैं देखिए कन्फ्यूज़ करने के लिए बहुत से ऑप्शन दिए हुए हैं बट करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया था और एक अन आइडेंटिफाइड जगह पे ले जाया गया था उसकी वजह से ही जेलियाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट पिटिशन और फिर ये जलेवल बाग मैस्कर हो जाता है और आपको पता होगा थर्टीन अप्रैल नाइनटीन में जलेवाला बाग इंसिडेंट हुआ था ओके इसी के बाद आप देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट होती है इंडिया में नेक्स्ट परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जिसको हम जमींदारी सिस्टम कहते हैं जिसको 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया था मैंने पूछा उस टाइम पे गवर्नर जनरल बंगाल के कौन थे ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन भी है उनको हम फादर ऑफ़ सिविल सर्विसेज भी कहते हैं करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है दैट इज लॉर्ड कॉनवेलिस रिमेंबर और जो लोग कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा प्रिपरेशन नहीं की हुई है तो यार प्रिपरेशन होनी चाहिए क्योंकि इजी क्वेश्चन था ये ओके नेक्स्ट है गांधी जी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक का यूज कहां पर किया गांधी जी इंडिया में आते तीन इंपॉर्टेंट जगहों पर उनका रिवोल्ट भी होता है जैसे चंपारण सत्याग्रह फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक पर याद रखिए अहमदाबाद स्ट्राइक होती है फिर तीसरा है खेड़ा सत्य खेड़ा सत्याग्रह तो पूछा मैंने पहली बार हंगर स्ट्राइक किया रोबाइल सत्याग्रह नॉन कॉपरेशन बरदोली या अहमदाबाद ये चार ऑप्शन है आपको करेक्ट आंसर बताना है द करेक्ट आंसर इज अहमदाबाद स्ट्राइक एटीन वेरी इंपॉर्टेंट और यहीं पर पहली बार गांधी जी फास्ट एंड टू डेथ जिसे हंगर स्ट्राइक कहते हैं वो इन्होंने अडॉप्ट किया था तो दिस इज इंपॉर्टेंट ओके नेक्स्ट है आचार्य विनोबा भावे का नाम आपने सुना होगा ये पहले पर्सनलिटी थे जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया था 1940 में पूछा है मैंने जहाँ से सत्याग्रह स्टार्ट किया इंडिविजुअल सत्याग्रह ये कहाँ से स्टार्ट किया था नॉट दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन आई थिंक सो क्योंकि आपको लोकेशन शायद नहीं पता होगी अब यू हैव टू गेट इनटू द बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन है गुजरात महाराष्ट्र तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश ओके okay? विनोबा भावे, भावे भावे नाम से आपको लगा रहा महाराष्ट्रियन थे येस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दैट इज पनौर इन महाराष्ट्र से उन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया था ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु वॉज सेलेक्टेड फॉर द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन नाइनटीन ओके नेक्स्ट है गांधी कंसिडर्ड खादी एज अ सिंबल ऑफ दिस इज इम्पोर्टेंट पहले इससे पहले मैं बता दूर कि मैं पढ़ दूँ यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है याद रखेगा ये पूरा पन्ना और महाराष्ट्र में लिखा ना फर्स्ट पर्सन जो इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए चूज हुए थे याद रखेगा ओके okay, नेक्स्ट है गांधी ने खादी का द सिंबल ऑफ क्या कंसिडर किया था ऑप्शन है इंडस्ट्रलाइजेशन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक ग्रोथ या मोरल प्योरिटी अरे बब्बा अब ये ऑप्शन थोड़ा टर्की हो जाता है आई होप ऑप्शन देख के आप लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे कुछ लोग सोचे होंगे ऑप्शन डी हो सकता है मॉरल प्योरिटी बट देखिए एक्चुअली जो बना रहे हैं खादी से वो हम अपना ये बताने हम अपने प्रोडक्ट खुद बना सकते हैं मतलब इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस रिमेंबर तो करेक्ट आंसर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है और इवन मैं आपको बता दूं खादी और सिंबल ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और प्रमोटेड जो विजयवाड़ा सेशन हुआ था आई में वहाँ पर इसको प्रमोट भी किया गया था ठीक है तो याद रखना है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का ये आपका साइन था ओके okay? नेक्स्ट आते हैं इंडिया विंच फ्रीडम ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी है किसकी अबुल कलाम आजाद मोहम्मद अली जाकिर हुसैन या सैयद अहमद खान तो सारे मुस्लिम दिख रहे हैं आपको करेक्ट आंसर बताना है इसका करेक्ट आंसर है देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर दैट इज अबुल कलाम आजाद याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है ओके okay? और इनको भारत रत्न भी मिल चुका है नेक्स्ट बात करते हैं हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वेन माउंट बेटन प्लान वॉज एक्सेप्टेड माउंट प्लान माउंट बेटन प्लान को रखा गया था बता दूं थर्ड जून 1947 में रिमेंबर ठीक है तो आपसे पूछा गया है ये डेट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है थर्ड जून 1947 उस टाइम पर इंडिया में कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे ओके इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर डी जेपी कृपलानी ओके सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट जेपी कृपलानी ठीक है इनके टाइम पर ही माउंट बेडन प्लान रखा गया तो उस टाइम पर कांग्रेस के प्रेजिडेंट यही थे ओके okay, नेक्स्ट बहिष्कृत हितकारी सभा लास्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी क्वेश्चन है मैंने पूछा रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग लीडर्स कौन किस इस सभा से कौन रिलेटेड था गांधी जी अंबेडकर जी सपरू जी या सी आर दास ये क्वेश्चन तो एग्जाम में भी आ चुका है यूपीएससी स्टेट सर्विस्टर में पूछा आ चुका है तो करेक्ट आंसर है बी आर अम्बेडकर ठीक है अगेन बी आर अम्बेडकर आपको पता होगा भारत रत्न होल्डर रहे हैं ये भी ठीक है और नाइनटीन में बहिष्कृत हितकर्णी सभा जो है उन्होंने सेटअप की थी ओके तो यहाँ पर जो मेरे एम थे मॉडर्न हिस्ट्री के वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं आई होप आपको क्वेश्चन बने होंगे अगर आप चाह रहे हैं ऐसे पॉइंट फ्रेम में आपको सारे पूरे नोट्स मिल जाएं जिससे आपको एग्जाम में हेल्प हो तो देख सकते हैं हम पॉइंट फ्रेम में सारे नोट्स प्रोवाइड करते हैं ऐसे एग्जाम्पल पॉलिटी के हैं आप चाहे तो हैंड रिटन नोट्स हमारे हैंड रिटन नोट्स हम सिर्फ प्रोवाइड करते हैं तो आप चाहें तो इनको ऑर्डर कर सकते हैं ठीक है हिस्ट्री के भी आपको मिल जाएंगे जैसे मिडाइवल है मॉडर्न है सारों के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे ठीक है और अगर आप हमारे लेक्चर्स देखना चाहते हैं डिटेल में आपको चीज़ें मिले तो ऐप को डाउनलोड करो वहाँ पर आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे क्वेश्चन ईजी करा रहा हूँ मैं इसलिए क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और जो पुरानी चीज़ें भूल गए हैं उसको वापस आप गेन करो पढ़ाई वापस चालू करो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको एडवांटेज होता है ठीक है अगर आप हमारे कोर्सेस देखना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेस ऐप पर अवेलेबल हैं यूपीएससी का कोर्स आप देख सकते हैं अभी यूपीएससी का नोटिफिकेशन आया है तो उसका कोर्स अवेलेबल है उसके लिए एप्लीकेशन जाना पड़ेगा विजिट करना पड़ेगा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है आप कॉल भी कर सकते हैं हम आपको पर्सनली भी गाइड करेंगे तो नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं वीडियो अगर पसंद आया हो क्वेश्चन अच्छे लगे हों आपके आंसर्स बहुत सारे सही हुए हों तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और वीडियो को लाइक जरूर करके जाए इससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअ होता है तो एटलीस्ट लाइक का बटन जरूर दबा दें कोई डाउट क्वेरी है वो भी आप बताइए वो भी हम आपको शॉर्ट आउट करेंगे पीडीएफ इसका मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा आप आपको साइव पीटीएफम आए पुराने लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करें थैंक यू